दोस्तों राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नवीन देसवाल, हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके सामने CPLO भर्ती के बारे में एक नई अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक लेटर है जो कि मुख्यमंत्री के नाम है। तो दोस्तों ये लेटर आज जितने भी लोकल ऑपरेटर भाई हैं उन्होंने CPLO भाइयों की मदद से एक ट्वीट अभियान शुरू किया है। तो इसी बारे में क्या ट्वीट किया जा रहा है मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। दोस्तों बड़े ज़ोर शोर से सभी लोकल ऑपरेटर और CPLO भाई लोकल ऑपरेटर भाइयों की सपोर्ट में ये आज का ट्वीट कर रहे हैं। इसमें पर मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा गया कि क्रेड लोकल ऑपरेटर को CPLO में कन्वर्ट करने के बारे में ये जो ना प्रार्थना पत्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम एक ज़रूरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन और भविष्य जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार के क्रेड विभाग द्वारा एक CPLO की भर्ती निकाली गई थी और अभ्यर्थियों द्वारा दो दो एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन रिजल्ट के बाद जो है इस भर्ती को क्रेड डिपार्टमेंट द्वारा दो हिस्सों में बाँट दिया गया, जिसको एक हिस्सों के कर्मचारियों को बना दिया गया CPLO और दूसरे कर्मचारियों को बना दिया गया LC यानी लोकल कमेटी ऑपरेटर। LC ऑपरेटर के लिए कोई फिक्स सैलरी नहीं रखी गई है, उनको कमीशन बेस पर रखा गया है। तो जितने भी कर्मचारी हैं या चाहे वो CPLO हैं या LC हैं, सब की तरफ से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि सब ने CPLO के लिए फार्म भरा था। फार्म में LC का कहीं कोई जिक्र नहीं था, लोकल ऑपरेटर पद का कोई जिक्र ही नहीं था। इसलिए यह गलत है कि उनको LC के पद पर भर्ती किया गया है। तो उनके भविष्य को देखते हुए लोकल ऑपरेटर को भी CPLO पद पर ही नियुक्त किया जाए, क्योंकि आज के महंगाई के समय में सिर्फ किसी कमीशन से परिवार चला पाना संभव नहीं है। हम और हमारा परिवार आपके आभारी रहेंगे, निवेदक CPLO और लोकल कमेटी ऑपरेटर हरियाणा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसमें सभी कर्मचारी जो भी लोकल ऑपरेटर हैं और CPLO हैं उन्होंने हरियाणा सरकार के मंत्रियों को, हरियाणा सरकार के क्रेड और SPPA एंडल के साथ साथ विपक्ष और प्रमुख न्यूज पेपर्स को भी साथ में टैग किया ताकि उन तक भी उनकी बात पहुंच सके। इसी तरह की नई नई जानकारी और CPLO भर्ती से संबंधित हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब जैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।